हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सारे ऊंचा बोले हालेलुया हालेलुया। सो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप सब कैसे हो सारे? तो मैं आप सारे लोगों को मिस कर रहा हूं यहां पर, लेकिन जैसे क्योंकि ये प्लेगिन आई हो, परमेश्वर आपके साथ था। और जो आप तो सारी है ना, हम एक स्पिरिचुअल फैमिली है। क्या है हम लोग? एक स्पिरिचुअल फैमिली। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चरवाहा बनाया है, आपके लिए अभिषिक्त किया है, तो जैसे मेरी फैमिली भी तो सेम चरवाहा ही है। क्योंकि जो मेरी डिजायर है, आप लोग तो सारे जानते हो, मैंने कई बार कहा था कि मैंने अपने बच्चों से जॉब नहीं करानी। बहुत पढ़े लिखेंगे, जो हमारी कॉलिंग है मेरी और मेरी फैमिली की, वो यही है कि हम खुदावंद का काम करें जो उसने हमें सौंपा है ना। तो इस मिनिस्ट्री को, इस सेवकाई को पूरी दुनिया में हमने आगे लेकर जाना है। तो आप लोग भी है ना, ऐसे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, अपने मन को पूरा अच्छा रखना है ना। जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ इंग्लैंड में, तो यहाँ पर आज तो मेरी वापसी है। कल जब मैं इंडिया सुबह 10 बजे पहुंचूंगा एयरपोर्ट, लेकिन जैसे पहुंचूंगा और सबसे पहले मैं खुदा के घर में आऊंगा। सबसे पहले अपने घर नहीं जाऊंगा, और मुझे कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले खुदा के घर में आकर है ना, जैसे अपने आप को उसके हाथ में दूंगा कि उसने मुझे वफादार समझा परमेश्वर ने, और वफादारी से उसने मुझे अपने काम को दिया, और मैंने इस काम को करने के लिए जैसे एक वचन है ना, एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये वचन हमें मिलेगा दूसरा तिमोथियस में, ठीक है। इस वचन को हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। ये ऐसे लिखा है 15 में ऐसे लिखा है, ये दूसरा तिमोथियस 2:15 ऐसे लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। तो ये वचन हमें बताता है परमेश्वर का, क्योंकि जैसे फर्स्ट तिमोथियस या सेकंड तिमोथियस, आप जब भी इस दोनों बुक की रीड करोगे, अच्छे से इन दोनों बुक को रीड करोगे, तो यहां पर प्रेरित पॉल है ना, तिमोथियस को आगे उसने नियुक्त किया था परमेश्वर का काम करने के लिए ना। तो उसको वो बोलता है मेरा प्यारा पुत्र है ना, तो वो उसका स्पिरिचुअल फादर था प्रेरित पॉल, और तिमोथियस उसका स्पिरिचुअल सन था। लेकिन तिमोथियस यंग लीडर था, लेकिन इसका दिल इतना शुद्ध था, इतना मन था परमेश्वर के काम के लिए, यंग अनमैरिड, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे इधर बैठे हैं कलीसिया में, तो बहुत सारे यंग बच्चे भी बैठे हैं, या आप जानते हो मेरे साथ जो सेवा करते हैं वो भी बच्चे कितने यंग है ना, सारे कितने अनमैरिड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी एक यंग और अनमैरिड लड़का था, लेकिन जब आप फर्स्ट तिमोथियस सेकंड तिमोथियस सारा रीड करोगे, तो यहां पर एक बड़ा विषय प्रेरित पॉल से समझा रहा है खुदा के काम के लिए, है ना। इस वचन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जैसे इस बात को आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। हो क्या?
क्या रहा था उस टाइम भी, उस टाइम भी जैसे कई लोग उठ रहे थे प्रभु के नाम से ही, या यहूदी लोग जो मोसेस की व्यवस्था को मानते थे, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा था, जो राइट चीज है ना, जैसे इसने कहा जो सत्य को प्रकट करता हो, जैसे मैं दोबारा मैं पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को इस वचन की आज बड़ी वैल्यू समझ आए, ठीक है। तो 2:15 पढ़ता हूं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग। अगर आप फर्स्ट मोतियस पढ़ोगे फिर सेकंड स्टार्ट करोगे, तो यहां पर वो हो क्या रहा है, वहां पर बहुत सारे लोग रीति रिवाज है ना, जैसे व्यवस्था की बात थी, जैसे आप तो जानते हो कि मैंने आपको हमेशा व्यवस्था से और रीति रिवाजों से बाहर निकाला है ना, क्योंकि इस समय जो प्रबंध है वो पवित्र आत्मा का है। तो जिस इंसान के पास, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे पुराना नियम और नया नियम है ना, जैसे पुराना नियम होता है तो पुराने नियम में हम जानते हैं कि बहुत सारी परमेश्वर ने रीति रिवाजों को दिया, ठीक है। क्यों दिया, क्योंकि वो उनके पास स्पिरिट नहीं था, क्योंकि वो लोग शरीर थे, शरीर में थे, तो उनको परमेश्वर की आत्मिक बात समझ नहीं आने दी ना। जैसे अभी हम संसार को बताएं कि यीशु मसीह मम्मी डैडी से नहीं जन्मा, वो आत्मा से जन्मा है, तो संसार वाले लोग कहेंगे है कि ले, अच्छा ये भी तो जो दे अभी अभी बाबा, तो ऐसे बात करते ना लोग। तो लोग शरीरिक है, वो यीशु के जन्म के बारे में जो आत्मिक चीज है अंडरस्टैंड नहीं करते ना इस दुनिया के लोग, जबकि पूरी दुनिया में सुवाई यीशु के कौन पैदा हुआ, आत्मा कोई पैदा हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी समझ नहीं आ रही ना, इतना दुनिया में प्रचार हो रहा है। तो अभी जैसे अगर हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करें तो वो भी आत्मिक चीज है, जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में या परमेश्वर के कुछ ऐसे वचनों के बारे में बात करें जो आत्मिक चीज है। तो संसार के लोगों को, शारीरिक लोगों को आत्मिक चीज समझ नहीं आती, ठीक है। तो यहां पर पुराना नियम और नया नियम, अभी दुनिया में पुराना नियम बोलते नया नियम बोलते हैं, तो इसकी भी तो समझ चाहिए ना, ऐसे क्यों लिखा है पुराना नियम, ऐसे क्यों लिखा है नया नियम, है ना। जैसे हमारे लिए भी परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है ना, तुम्हारा पुराना जीवन यीशु के साथ मर गया और तुम उसके साथ जिंदा किए गए, तुम्हारा नया जन्म हुआ ना, ऐसे करके लिखा ना। तो इस विषय को भी आप लोग सीखो, ठीक है। तो यहां पर भी एक पुराना जन्म, पुराना जीवन और नया जीवन, ऐसे ही पुराना नियम और नया नियम, ठीक है। लोगों ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये मिनिस्ट्री तो ब्लेस्ड है ना, क्योंकि अभी तो आप लोगों को, मैं जब इन दिनों में बहुत कुछ यहाँ लोगों के जीवन से मैंने देखा, उन्हें सिखाया और बहुत सारी चीजों का मैंने अनुभव किया, और मुझे खुदावन ने कहा कितनी जरूरत है संसार को सही और नए नियम की, जो सबसे जीवन का जबरदस्त प्रबंध है परमेश्वर पिता का हमारे लिए। तो हर एक इंसान को उसको अच्छे से समझना क्या है, बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो पुराना नियम में वो लोग शारीरिक थे, पवित्र आत्मा का दान किसी के लिए नहीं था। अब स्पिरिट नहीं है, आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर से कनेक्शन भी नहीं, होली स्पिरिट नहीं है हमारे अंदर, तो हमारी सोचे हमेशा गड़बड़ रहेगी, हम अपनी बुद्धि से कभी कभी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, प्रे करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के साथ अच्छा चलने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे वचन पूरा करेंगे, लेकिन होगा क्या, हमारा जो पुराना जीवन है, हमारा जो वो शारीरिक जीवन है, वो आत्मिक चीजें अच्छे से नहीं करता, इसलिए लोग अप डाउन, कभी मन अच्छा, कभी गिर गए, कभी आगे पीछे हो गए, इसलिए ऐसे होता रहता है, ठीक है।
यहां पर कि परमेश्वर ने उन्हें रीतियां है ना, जैसे वेदी बनाओ, जानवरों को बलि चढ़ाओ, या धूप, वेदी, समाधान, बहुत सारी रीतियां, ठीक है। अब वो लोग जब उन रीतियों को करते थे, हाथों से कुछ चढ़ाते थे, तो वो महसूस करते थे, फील करते थे, है ना, शरीरिक थे वो लोग। परमेश्वर जानता था दुनिया में एक ही ग्रुप है जो मेरे साथ है, तो इसी से मैं इस संसार को छुड़ाऊंगा, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, मतलब यीशु मसीह को दुनिया में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो परमेश्वर के साथ एक ही ग्रुप था, लेकिन पॉइंट सीखो अभी जबरदस्त। तो वो लोग उन शरीर की रीतियों को पूरा करते थे, खुश थे, उनके दिमाग में था हमने किया। जैसे अभी संसार में जाओ, कोई फोटो रखता है, कोई दीवा जलाता है, कोई पत्थर की मूर्ति है कुछ उस पर चढ़ाता है, ऐसी चीज करता है, बिल्डिंग में जाता है उसके अंदर कोई चीज है जिसे वो कहते हैं हमारा भगवान है, स्टैचू है, तो वो सारा जो मटेरियल है, तो वो उसको फील करते हैं शरीर में, संसार के लोग, उनका उस पर मन लगता है, ठीक है। पुरानी में सेम परमेश्वर ने ऐसी चीज दी, ठीक है, और जब ऐसी चीज दी तो वो पुराना नियम इसलिए कहते थे, तब परमेश्वर के आत्मा का प्रबंध नहीं था, अभी यीशु पृथ्वी पर आया नहीं, काम नहीं हुआ, तो इसलिए पुराना प्रबंध, पुराना नियम था, उसमें पुराना नियम पढ़ो, ब्लैक टाइम था, बुरा हाल था। लेकिन हम जानते मत्ती में, यहां से यीशु मसीह आते हैं इस दुनिया में 2023 साल पहले, तो उनके आने का असली मकसद था व्यवस्था को पूरा करना, मतलब उन रीति रिवाजों को खत्म करना, अपनी जीवन से पूरा करके उनको खत्म कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को लोप नहीं, पूरा करने आया। तो यीशु मसीह ने उस सारी चीजों को पूरा करके, जब यीशु हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, और क्रॉस पर जब वो मरा, मरने से पहले उसने ऐसे इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ, अपने जीवन से उसने पूरा किया। और पूरा करने के बाद यीशु मुर्दों में जिंदा हुआ। जब वो अभी कब्र में ही था, तो आप जानते चेलों ने क्या किया, चेले जो मेन थे वो भी कहते हैं मछलियां पकड़ दी जाएगी, फिर से वो सारा शारीरिक काम, संसारिक काम में चलेगी, वो भूल गए यीशु मसीह ने इतने सालों से उनके अंदर मेहनत की थी, उन्हें तैयार किया था, उन्हें शीलिंग करना सिखाया था, उन्हें एक एक चीज बताई थी। यीशु ने अपने मरने के बारे में 3 बार सिखाया था, 3 बार उन्हें समझाया था कि मैं कैसे क्रॉस पर मरूंगा, और ऐसे उसने कहा था इस मंदिर को ढा दो, मैं 3रे दिन इसे क्या कर दूंगा, फिर से बना दूंगा, ना अपनी मौत के बारे में इतने चमत्कार, मिरेकल, पानी के ऊपर आ गया पतरस जैसे लोग को, इतनी चीजें, मछली के मुंह से अना सिक्का निकाल कर पतरस को कहा इस मछली के मुंह खोल, पहले बंसी डाल, है ना, कुंडी डाल, बंसी डाल, जो मछली आएगी उसके मुंह को खोलना, उसमें एक सिक्का होगा, टैक्स दे देना राजा को। इतनी बड़ी बड़ी चीजें सिखाई, इतनी बड़ी बड़ी चीजें सिखाई, लेकिन उनके पास स्पिरिट नहीं था, होली स्पिरिट नहीं था। क्यों नहीं देखा, यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ता है, 3 चेले उसके साथ है, यीशु का रूप बदलता है, तेजस्वी हो जाता है, वो देखकर डर जाती है, क्योंकि तेजस्वी रूप है ना जो परमेश्वर का है, उसको मनुष्य अच्छे से देख नहीं सकता ना। पुराने नियम में मूसा ने ये जिद की कि परमेश्वर मैंने तुम्हें देखना है, परमेश्वर ने कहा कोई मनुष्य मेरा दर्शन नहीं कर सकता, मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि मैं ज्योति हूं। तो जब उसने जिद की, उसने कहा ठीक है उस गुफा में जा, मैं जब पूरा निकलूंगा तो अपना तुम्हें पीठ दिखाऊंगा, पीछे का हिस्सा दिखाऊंगा। अरे पीछे का हिस्सा भी नहीं वो देख पाया, है ना, पर क्योंकि जो फिजिकल मनुष्य है परमेश्वर का, वो जो तेजस्वी असली रूप है लाइट का, हाँ जब हम मरने के बाद देखा
बदल जाएंगे, है ना। जैसे लिखा ना, जैसे आत्मिक देह में बदल जाएंगे, तब हम और क्या हो जाएंगे, तब हम देख पाएंगे, लेकिन इस बॉडी में उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मूसा के साथ भी ये हुआ, लेकिन चेलों ने वो जब देखा तो डर गया, अभी है ना, प्रभु ने कुछ ही हिस्सा अपना प्रकट करके हुआ, इतनी चीजें उन्होंने देख, बड़े हुए बंदों को अपनी सामने आंखों से जिंदा हुआ देखा। लेकिन सोच कर देखो, जब यीशु को कब्र में रख दिया तो सारा कुछ भूल गए, सारा कुछ गड़बड़ हो गया ना शरीर। जैसे हम लोग भी परमेश्वर के साथ चलते, अगर हम शरीर से अपनी बुद्धि से ध्यान देंगे, हाँ ये बात परमेश्वर की, उससे भी हम कई चीजें ठीक करने की कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे दुनिया ना, संसार के लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो अपने घर में अपने काम काज से जो बुद्धि है हमारे पास, उससे कई चीजें अच्छी तो करती है, लेकिन मिस्टेक आगे पीछे चलते रहते दुनिया। तो इसी तरह हम इंसान भी, क्या होता है, जो मसीह में आ चुके हैं, जब बुद्धि से हमारी समझ से कुछ चीजों को तो कर सकते हैं, लेकिन परफेक्टली अच्छे से परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते जब तक हमें आत्मा की अगुवाई नहीं मिलेगी। होली स्पिरिट हमारे नहीं करेगा, ठीक है। चेलों की तो हवा निकल गई, अरे सोच कर देखो, वो सारा काम दाम आत्मिक चीजें, परमेश्वर का राज छोड़कर मछलियां पकड़ना, फिर से संसारिक का काम, शैतान जाता था, जहां से परमेश्वर ने उन्हें निकाला वापस वही अंधकार में जाए। कभी भी परमेश्वर का काम इस दुनिया को बचाना, परमेश्वर की इच्छा प्रकट करना, ये इनके जीवन से ना हो, ठीक है। लेकिन सुनो बड़े ध्यान से, यीशु मसीह जिंदा होकर क्यों 40 दिन तक उनके साथ रहा, अना 2 दिन रहता, 3 दिन रहता, 40 दिन इसलिए क्योंकि उनको बड़ी फिर से मेहनत करनी पड़ी, फिर से उनका मन सेट करना पड़ा। और आप जिंदा है यीशु, उसके जिंदा होकर उनको चीजें सिखा रहा है, कर रहा है ना। लेकिन उसने बताया लास्ट में कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना तुमने, क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा पूरे होने वाली है, उसकी वेट करो, क्योंकि प्रतिज्ञा की थी हर एक को होली स्पिरिट मिले। इसी काम के लिए यीशु मसीह आया था कि जो आदम और हवा ने पवित्र आत्मा को खो दिया है, क्योंकि वो आत्मा से ही हमारा परमेश्वर से कनेक्शन है। और संसार के लोग तो ये बात नहीं जानते ना, वो लोग तो कोई मटेरियल से, कुछ चीज से ऐसे कनेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई दुनिया को देनी है, सारे संसार को हमने ये ज्ञान बांटना है। और इस काम के लिए आप सारे लोग भी बुलाए गए हो, ठीक है। अब सवाल है कि आप लोगों को भी परमेश्वर ने बुलाया है, आपके घर में मेंबर है, कभी कभी एक जन आता है, ले वो तो मानता नहीं, वो दी मर्जी जी, ठीक है जी, अरे तुम्हें पता नहीं उसके साथ होगा क्या, अरे वो नष्ट हो जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो परमेश्वर के साथ मिलाप ही इसका होगा, मिलाप ही तब होता है जब पवित्र आत्मा, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह के आने का मकसद ही हर एक को होली स्पिरिट मिले, ठीक है। 40 दिन रहने का मतलब उनके साथ वो बुरे आगे पीछे थे, उनको फिर से सही वे में लेकर आया, है ना। जैसे जैसे मैं आज आपको एक चीज समझाता हूँ, ये तिमोथियस का थोड़ा सा पेंडिंग रखता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात, लेकिन अभी मैं एक वचन से आप लोगों को जबरदस्त चीज खाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इसे पकड़ कर और परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाओ, ठीक है। हालेलुया, आप सारे लोग खुश हो, मैं भी मिस कर रहा हूं आप सबको, ठीक है। तो बस कल तो हम मिलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे ना, ठीक है। तो परमेश्वर आपको बरकत दे सबको। चलो ये देखो, प्रेरितों की बुक से पढ़ते हैं यहां पर क्या लिखा है, ठीक है। एक का एक से पढ़ते हैं, लिखा है थियोफिलस, मैंने अपनी पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता है। ये वचन का एक्सप्लेन मुझे नहीं करना, आगे करना है। दो में लिखा, उस दिन तक
जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया गया, उसने दुख उठाने के बाद, मतलब यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो कि चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि योहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। सो कलीसिया, अगर देखो यहां पर यीशु उन्हें होली स्पिरिट के ऊपर फोकस बना रहा है। ये अभी देखो ना, जैसे हमारी मिनिस्ट्री का तो नाम भी क्या है, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च, क्योंकि ये टीचिंग पूरी दुनिया में जानी चाहिए। आप जानते हो, अगर मैं यहाँ पर आपको कोई ऑयल या ऐसी चीज प्रार्थना करके बोलूं कि ये अभिषेक इसने, क्योंकि फिर आप पुरानी नियम जैसा मन हो जाएगा और ज्यादा लगेगा इन चीजों, सच्ची मैं जानता हूं, फायदा नहीं है, क्योंकि प्रबंध आत्मा का है, क्योंकि वो चीज आपके मन के अंदर काम नहीं करती, आपका शारीरिक मन ऐसी चीजों पर ज्यादा जाएगा और ऐसी चीजें यहां होगी लोग ज्यादा दौड़ेंगे। मैंने यहां भी इसका बड़ा एक्सपीरियंस किया है, मैंने यहां पर लोगों से मिला हूं ऐसी चीजों को करने वालों को, यहां तो बुरा ही हाल है, सिस्टम पूरा खराब है, अरे लोग परेशान है, दुखी है, बीमार है हालातों में। अब मैंने बड़ी मेहनत की लगातार लोगों के ऊपर, ठीक है, तुम हजारों लोग वहां जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपको सिखाया, तुम बहुत ब्लेस्ड हो, यहाँ लोगों का हाल बड़ा आगे पीछे, ठीक है। सो आई होप तुम लोग इस चीज को पकड़ो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बड़ा खूबसूरत है, परमेश्वर हमारे लिए महान, उसका इंतजाम हमारे लिए महान है, लेकिन जब तुम इधर उधर ध्यान दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब परमेश्वर पर ध्यान, किस पर, तुम उसकी राइट वे को, राइट डॉक्ट्रिन को, सही सिख्याओं को, शिक्षाओं को पकड़ो, आसानी से आपका जीवन ब्लेस्ड होगा, अच्छा होगा, जबरदस्त होगा, कोई कहानी नहीं मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उनका फोकस होली स्पिरिट पर बना रहे। देखो प्रभु, मैं तो एक प्रभु का दास, वो 40 दिन तक होली स्पिरिट के बारे में टीच कर रहा है, उसने कहा योहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, अब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, मतलब पूरी तरह से तुम आत्मा से भर जाओगे, ठीक है। अब सीखने वाली बात क्या कलीसिया, अब जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा उन्हें देने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक पॉइंट सीखना, चेले क्या कर रहे हैं, एक का शेमे ले आते हैं, उन्होंने मतलब चेलों ने इकट्ठे होकर यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा, है ना, मतलब जो इज़राइल है, इज़राइली लोग है, है ना, क्योंकि इसके बारे में, यीशु के बारे में वो जानते थे, वो राजा है, राजा है ना, राजा तो अभी इज़राइलियों का अपना एक राजा होगा, है ना, जैसे, और वो राज्य उन्होंने कहा आप हमें अभी दिलाओगे, यीशु मसीह होली स्पिरिट की बात कर रहे हैं, और ये लोग शरीर में दूसरे ट्रैक पर चलेंगे, शरीर पृथ्वी की चीज पर चलेंगे, कैसे चलेंगे, आप इस बात को सीखो। आप सोचने वाली बात है कि ये लोग पवित्र आत्मा क्या है, कैसे आएगा, इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये लोग इज़राइल के लिए राजा चाहिए, राज्य फेर देगा, इस ट्रैक पर चलेंगे। लेकिन अब यीशु क्या कर रहा है, देखना, यीशु ने चेलों से कहा, उन सभी या कालों को जानना
जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। अरे यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि देखो जो काल समय पिता परमेश्वर ने अपने वश में रखा है उसको नहीं जानना तुमने, उसके बारे में क्या सोच रहे हो तुम। अभी अभी उसको समझाकर वापस यीशु मसीह क्या करेगा, होली स्पिरिट के ऊपर उन्हें वापस लाएगा। देखना आठ में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ठीक है, लेकिन ये जो शब्द है तुम सामर्थ पाओगे, ये शब्द जो यूनानी का था ये था लंबानो शब्द। कौन था? इसका मतलब ये था, यीशु मसीह ने कहा वापस आएंगे तो एक लाइन है, लेकिन हो सकता 10-20 लाइनों से समझाया यीशु मसीह ने, है ना, क्योंकि पूरी बाइबल ऐसे लिखी गई है, एक पॉइंट को लिखा है, कंप्लीटली सारी बातें नहीं लिखी होती, आत्मा में हम समझ सकते हैं। तो यहां पर यीशु मसीह ने कई चीजें समझाई स्पिरिट के ऊपर, बात ये समझाया कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ को याद पाओगे लिखा, लेकिन ओरिजिनली ये है प्रकट करोगे। सामर्थ को क्या करोगे? प्रकट करोगे। ठीक है, आप सोचने वाली बात है, ये लोगों को क्यों यीशु मसीह आत्मा पर फोकस कर रहा है। आप लोग भी ये ध्यान देना, वो परमेश्वर का आत्मा है। क्रंथियस में लिखा परमेश्वर के मन की बातें, गूढ़ बातें भी आत्मा जानता है। तुमने ये देखा है कि वचन में लिखा पवित्र आत्मा से ही हमारा मन की आंखें खुलती है, जिसे बोलते हैं ना दिव्य दृष्टि, जिसे हम दुनिया के जीवन को देख सकते हैं, परमेश्वर की बात सुन सकते, वो आत्मा से होना, होली स्पिरिट से, मटीरियल से नहीं होना। जिसके पास होली स्पिरिट है, कभी ये सोचना उसको कोई चीज की जरूरत है मटेरियल को। अब यही हमारे लोगों को नहीं पता है, तुम्हें पता चल रहा है, इस मिनिस्ट्री से पता चल रहा है। अगर इतना बड़ा विषय सीखकर भी तुम शरीर में रह जाओ और शरीर की चीजें जहां होती है करते हैं वहां तुम्हारा मन जाए तो तुम भी भटक जाओगे। यही फर्स्ट तिमोथियस में और सेकंड तिमोथियस में प्रेरित पॉल पूरा पढ़ना, जब मैं वापस आऊंगा इसकी टीचिंग अच्छे से दूंगा आप लोगों को। इतना जोर दे रहा है कि वो कह रहा है ओडी सी कहानियों और अनंत वंशावलियों और रीति से और व्यवस्था ऐसी चीजों से वो बाहर निकालकर विश्वास पवित्र आत्मा के प्रबंध के ऊपर जबरदस्त टीचिंग देता है यहाँ पर, फर्स्ट तिमोथियस सेकंड तिमोथियस। तो इसे समझना आप लोग खुद भी, इस दोनों बुक्स को रीड करना कि ये कितना बड़ा विषय है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को पकड़ो सारे लोग कि ये कितना बड़ा विषय है। ठीक है, तो वापस मैं उसी बात पर जाऊंगा तिमोथियस की, जहां से मैंने शुरू किया था, ताकि आप लोगों को बस ये विषय को कंप्लीट कर दूं, ताकि आप इस बात में आज से अपना मन अच्छा करो। तो ये जो अगर पढ़ोगे होली स्पिरिट के बारे में क्या क्या उसने समझाया, तो यहां पर 2:1 में ऐसे लिखा, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा। अनुग्रह क्या है? पवित्र आत्मा का दान। तो उस आत्मा में क्या हो जा? बलवंत। और आगे उसने कहा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को भी सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने में योग्य हो, मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ तू उठा। तो अच्छा योद्धा, योद्धे की बात हो रही ना, क्योंकि योद्धा क्या करता है? लड़ाई, हमारी लड़ाई है ना आत्मिक लड़ाई। देखा, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, शैतान से है और उसकी सेना से। शैतान चाहता है इस दुनिया को परमेश्वर से दूर करना, शैतान चाहता है इस दुनिया को परमेश्वर के सही कानून से दूर करना। वो चाहता है कि तुम रीति रिवाजों में रहो अगर मसीह में भी हो, क्योंकि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम उसका बिगाड़ तभी सकते हो जैसे चेलों की तरह और उस कलीसिया की तरह आत्मा से भर जाओ।
आत्मा के प्रबंध में, आत्मा का जो दान तुम्हारे अंदर है उसमें तुम्हें बड़ी समझ है, क्योंकि आत्मा से ही सारा कुछ यीशु ने किया, चेलों ने किया, शक्ति को प्रकट किया, मुर्दों को जिंदा किया। अभी मैं तो आत्मा में चलता हूं, लेकिन ये प्रबंध सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये प्रबंध सारे संसार के लोगों के लिए, आपके लिए भी। ठीक है, अब सीखने वाला ये विषय है आपके लिए। यहां पर वो समझाता है और लिखा 2:14 में, इन बातों की शुद्धि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिताने के शब्दों का तर्क वितर्क ना किया करे। शब्दों का, शरीर की बात, शरीर की चीजों का, उन पर तर्क, झगड़ा, विवाह। जैसे अभी मैं जब भी लोगों को रीति रिवाज से, मटीरियलिस्ट चीजों से निकालता हूं, तो लोग शरीरिक शब्दों से तर्क वितर्क करते, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो कहता लोगों को सिखा समझा कि शब्दों, शरीर की बातों का तर्क वितर्क ना करें, इन बातों पर मन ना लगाए। तो वो आगे लिखा, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ते हैं। तो यहाँ लोग ऐसी चीजों को यूज करके बिगड़ रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के प्रबंध से दूर है। लेकिन 15 में कहता, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण युग, मैंने भी अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण युग ठहराने का प्रयत्न कर रहा हूं लगातार। उसने उसको ये समझाया, आपने भी ये काम कर रहा है, ऐसा काम करने का, ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है, लाता है। तो मैं सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हूं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस बात को अच्छे से पकड़ना है। आर यू रेडी? हालेलुया। क्या प्यार हो पवित्र आत्मा के प्रबंध को और अच्छा समझना, इस जिसके अंदर स्पिरिट काम करेगा उसी का तो कनेक्शन होगा परमेश्वर, वही तो आत्मिक बुद्धि से भरेगा, वही तो आत्मिक ताकत उसके अंदर काम करेगी, वही तो स्वस्थ होगा, वही तो अपनी परेशानियों में डरेगा नहीं, हालातों में परेशान नहीं होगा, वही तो ब्लेस्ड जिंदगी जिएगा। तो आई होप इस वर्ड के बाद आपको ये समझ आ रही है इस प्रबंध के बारे में बड़ा। तो आज से आप लोगों ने प्रकट करनी है, जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, उन सबके पास पवित्र आत्मा है। जिन्होंने दिल से, जिन्होंने नहीं किया अभी, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। यहां पर तो लोग बेचारे 10-15 साल से कहते हैं हमारे पास आत्मा ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते अन्य भाषा नहीं करते तो आत्मा नहीं है। तो आत्मा नहीं है तो फिर 15 साल से बिना आत्मा से चल रहे, तो शरीर से चल रहे, तो शरीर से क्या होगा, कुछ ठीक होगा? कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखना है कलीसिया, परमेश्वर के प्रिय लोगों। तो मैं फिर से आप लोगों को ये बात आपके दिल में डाल रहा हूं कि आज से आपने ये बिलीव करना, मेरे अंदर आत्मा है, मैं आपके बारे में लिखा, तुम पवित्र लोग हो, निज प्रजा हो, तुम परमेश्वर की खास प्रॉपर्टी हो, तुमने इन बातों को फेथ करना, सबने अपने आप को मानना, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं पवित्र हूं। क्योंकि जो हम फेथ करेंगे, जो खुदा ने हमारे लिए किया, वही। अगर तुम सोचो मेरे मन में पाप आता है, मैं कमजोर हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, ऐसा सब, तो तुम हमेशा वैसे रहो। और ये ज्ञान इस मिनिस्ट्री में है, प्रैक्टिकल पॉजिटिव अंगीकार, पॉजिटिव प्रे। ठीक है, इसका बड़ा महत्व है कलीसिया। तो आज से आप अंगीकार करो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हो मेरी बुद्धि में, मेरी सोच में, मैं आपसे चल। आप जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना प्रैक्टिकल करोगे, देखना आप बदले होंगे, आप चेंज होंगे। तो आई होप परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे चुका है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है आपके लिए, क्योंकि मेरे बेटे ने, वरेंद्र ने भी प्रचार किया, मैंने भी किया, ऐसा ना बहुत लंबा लंबा हो जाए। तो इस ब्लेस्ड मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल चुका है। तो भी जल्दी जल्दी आप लोग है ना, सीड बोने के लिए, क्योंकि सीड जो है बीज का विषय, ये स्पिरिचुअल है। क्या है, जैसे बीज बोना परमेश्वर के काम के लिए स्पिरिचुअल चीज है,
लेकिन आत्मिक चीज है, आत्मिक कानून है, नियम है, आज्ञा है। और बहुत सारे जो शरीर में है उनका मन इस पर बहुत है, पैसे के ऊपर, चीज के ऊपर, तो इसलिए हम बो नहीं पाएंगे। और शैतान कभी भी नहीं चाहेगा, वो चाहता है संसार के जो बाबा लोग हैं, डेरे हैं, उसमें दुनिया करे, क्योंकि वो लोग बढ़ जाएं, परमेश्वर के असली लोग नीचे रह जाएं, वो ये चाहता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को ये काम दिया है, परमेश्वर के सामने हमारा ये टेस्ट है इस चीज का, वो परीक्षा नहीं, टेस्ट। टेस्ट अलग अलग चीज होती है, परीक्षा अलग चीज होती है। परीक्षा में आपके दुख दिया जाता है, आपको हालातों में रखा जाता है, परीक्षा ऐसी चीज। टेस्ट का मतलब आपके विश्वास का टेस्ट। अब ये वचन परमेश्वर ने कहा, अब आपने उसको पूरा किया तो आप टेस्ट में पास हो, पर आपने नहीं इस वचन को पूरा किया था, आप टेस्ट में क्यों फेल हो। और शैतान चाहता फेल हो जाओ। कभी भी तुम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना करो, तुम परमेश्वर के घर के लिए, भवन के लिए, सेवा के लिए आगे आओ। आप जी कर देखना, बात करके देखना, दिनों में आप बदलना शुरू हो जाओ। तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं अभी ज्यादा आपको बताऊं, लेकिन अभी हमारी टीम जल्दी जल्दी फीस इकट्ठा करने के लिए अकाउंट नंबर ही सारी चीजों को बोलेंगे। आप लोग अपना सीट्स निकालो, जैसे ही मैं आपके लिए फिर एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, और कल मिलते हैं सबके साथ आने वाले मीटिंग में, जबरदस्त सारा कुछ होगा, ठीक है? तो टीम जल्दी करो, ओके ओके ओके, रेडी हो जाओ परमेश्वर के प्रिय लोगों। तो जैसे आप सारे लोगों ने सुना सीखा है, उसी के अनुसार परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर चुका है। सो सब लोग अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। और परमेश्वर आप लोगों के साथ है, उसकी बड़ी जीव शक्ति जो आसमान को बनाने वाली, दुनिया को रचने वाली, जो सब कुछ उसकी सामर्थ्य से होता है, वही आपके जीवन में काम करे, वही आपके जीवन में आज काम करे। हाथों को उठाओ। मैं अपने बेटे को, इंद्र को, खुदा की दास को ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस करता हूँ खुदावन। आज जब ये प्रेयर करे, बेहन करे, तेरी जीव शक्ति काम करे, तेरी जीव शक्ति काम करे खुदावन। वो ग्रेस जो मेरे ऊपर है, मेरी फैमिली के भी ऊपर है परमेश्वर, आज वो तेरी सामर्थ्य के द्वारा काम। और खुदावन जितने लोग भी खुदावन तेरी पवित्र हजूरी में तेरे सामने बैठे हैं, खड़े हैं खुदावन, निश्चय आप उनके मनों को खोल पिता परमेश्वर, तेरी जीव शक्ति की जिंदगी में काम कर रही, तेरा पवित्र आत्मा इनके रुके हुए कामों को खोल रहा है। हर एक अंधकार की रुकावट जो तेरे लोगों के लिए नहीं है, तेरे जीव शक्ति से इनकी जिंदगी से टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, ये आगे बढ़ रहे परमेश्वर। प्रार्थना आत्मिक लाइफ खुदावन तेरे वो तेरी इच्छा में आगे बढ़ खुदा, जो बीमार आए, दुखी आए, आज वो जा चुके, आज वो हील हो चुके, आज तेरी जीव शक्ति ने फ्री कर चुकी है, आज तेरी डिलीवरेंस जो खुदावन तूने अपने लोगों के लिए रखी है, आज इनकी जिंदगी में वो काम कर चुके, आज तेरा पावर, तेरी सामर्थ्य इनकी जिंदगी में बड़े काम कर चुके, ताकि परमेश्वर ये तेरे बड़े गवाह है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। खुदावन मैं बिलीव करता हूँ, हम बड़ी टेस्ट पड़ी से बड़े काम तेरी महिमा कर चुके खुदा। मैं विश्वास करता हूँ जो आपने मुझे काम दिया है खुदा, इस काम को हम पूरी दुनिया में इस सत्य को फैला चुके, और परमेश्वर लोगों के अंधकार के जीवन, बुरे जीवन को जो खत्म हो रहा है, जीवन परेशान जीवन, उसमें परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, शांति आ चुकी है, ऐसा आ चुका है। हाथों को उठाओ और रिसीव करो सामर्थ को सारे लोग। मैं खुदा का दास हूं, और जो कुछ मैं बोलता हूँ खुदा से सुनता और पूरा करता है,
आज आपकी जिंदगियां बदल रही है, आपकी जिंदगियों में खुदा काम कर चुका है, आपकी बीमारियां, रोग, हालात, दुष्ट आत्मा, चीजें सारी आउट हो चुकी है यीशु नाम से। यस, तो अभी आप बने रहो, हम मिलते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।